रजस इंस्टीट्यूट बालाघाट में कैरियर गाइडेंस को लेकर हुआ सेमिनार। बैंक अधिकारी नवीन मेसराम ने छात्र छात्राओं को बैंकिंग क्षेत्र में नौकरियों की संभावनाओं को लेकर दिया मार्गदर्शन। रजस इंस्टीट्यूट बालाघाट में कैरियर गाइडेंस का आयोजन किया गया, जिसमें बैंक अधिकारी नवीन मेसराम के द्वारा कोचिंग संस्थान के छात्र छात्राओं का मार्गदर्शन किया गया। बैंक अधिकारी नवीन मेसराम ने बताया कि कैरियर को लेकर स्टूडेंट्स के मन में कई प्रकार के सवाल उठते हैं। इन सवालों और चिंताओं को दूर करने के लिए स्टूडेंट्स को स्वयं के कॉन्फिडेंस लेवल की जांच करनी चाहिए, तभी वे सक्सेस की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। उन्होंने बताया कि कंपटीशन के इस युग में अच्छे स्कूल एवं अच्छे कोचिंग का चुनाव करके ही निर्णय लिया जा सकता है। उन्होंने बैंकिंग क्षेत्र में नौकरियों के लिए अपार संभावनाएँ होने की बात कही, साथ ही कम समय में एक अच्छी नौकरी मिलने की भी जोर दिया। करियर गाइडेंस को लेकर आयोजित इस सेमिनार का संचालन प्रजस इंस्टीट्यूट के संचालक सचिन मेसराम ने किया। उन्होंने बताया कि बैंकिंग एक ऐसा क्षेत्र है जहां बहुत कम समय या फिर 6 माह के भीतर ही बेहतर तैयारी करके नौकरी को प्राप्त किया जा सकता है। इस बात के लिए बधाई देता हूं कि उन्होंने अपना समय निकाल करके ये सोचा कि हम कुछ बातें सुने। जो व्यक्ति सुनेगा तो उसका मनन करेगा, और मनन करने के बाद जो है उसका उपयोग और प्रयोग करेगा, यानी उसको अगर अपन अंग्रेजी में कहेंगे तो इम्प्लीमेंट करेगा। इम्प्लीमेंट कैसे करेगा? क्या होता है, लाइफ बड़ी मज़ेदार हर व्यक्ति जीना चाहता है। कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता कि मेरी ज़िंदगी क्रिटिकल हो, समस्याओं से भरी हो, मुझे कहीं कोई प्रकार की तकलीफ उठानी पड़े। मैंने अगर व्यक्ति ये सोचता है कि मुझे तो अपने खुद के पाँव में चप्पल भी न डालने पड़े, ये जूते पहनने के लिए लेस भी ना बांधना पड़े, इतनी इजी और आसान लाइफ की हर व्यक्ति कल्पना करता है। मैं अपने ऊपर जितने प्रयोग हुए उनके आधार पर आपको ये बात कहूँगा, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो ये चाहता होगा कि मैं क्रिटिकल लाइफ जीऊँ। कोई भी व्यक्ति अब क्रिटिकल लाइफ नहीं जीना है, इसके पीछे हमको क्या करना पड़ता है? इसके पीछे हमें अच्छा धन कमाने की जरूरत पड़ती है। माने पैसा हमारे पास वे ऑफ इनकम या आय के स्रोत इतने तगड़े और मजबूत हों कि हम लाइफ को आसान बना सकें। अब जब अपने पास आय के इनकम अच्छे हों तो इसके लिए भी क्या करना पड़ता है कि कहीं ना कहीं कोई जॉब, व्यवसाय या किसी न किसी सेक्टर में हमको जाना होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि पैसा कमाने के लिए हमें कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है, ये तय हो गया। अब काम क्या करना पड़ता है? काम ये करना पड़ता है कि हमें जो है एक दिन में 24 घंटे होते हैं, उस 24 घंटे में अपने शरीर से श्रम करके या मस्तिष्क से श्रम करके रुपया अर्जित करना पड़ता है। बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे किसी।